हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्रेया दी आसनसोलियन में। तो गाइस, जैसे कि आपने कंटेंट देख ही लिया होगा, हाउ टू डू ब्लीच एट होम। तो गाइस, मैं हमेशा ही सजेस्ट करूँगी कि हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करो अगर पॉसिबल हो तो। तो जैसे कि गाइस देख रहे हैं, मैंने बायोटेक का क्लिनजर लिया है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है और मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। और ब्लीच में भी मैं ऑक्सी लाइफ यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑक्सी ब्लीच इज़ रियली नेचुरल, बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो गाइज, मैं पहले क्लिनजर से मैं अपने सारे मेकअप हटाऊँगी, जैसे कि आपने देख ही रखा है कि जितनी भी मेकअप लिपस्टिक वगैरह है पहले पूरा क्लीन करूँगी। बस मैं बाहर आना जाना करती हूँ तो और डर्ट से ये हो गया। तो पहले जब भी हम लोग ब्लीच करेंगे तो पहले हम क्लिनजर से क्लीन कर लेंगे। मैं पानी लूँगी, पानी से वेट करूँगी अपने चेहरे को, पूरा नेक को, जहाँ जहाँ मैं क्लिनजर करूँगी पानी से पहले वेट कर लूँगी। आज ठंडे का मौसम था तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके कर रही थी, काफ़ी ठंड है तो उस हिसाब से जितनी क्वांटिटी में मैंने लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे क्लिनजर, तो जितनी क्वांटिटी में मैंने लिया उसको अच्छे से स्क्रब करेंगे पूरे नेक तक, जहाँ जहाँ हमने ब्लीच करना है। डू फॉलो द डायरेक्शन गाइस, जिस हिसाब से मैं डायरेक्शन में कर रही हूँ अपने चेहरे को। सो गाइस, इस बीच में मैं बता दूँ, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा वीडियो हो जो मैं आपके सामने ला सकूं, डू कमेंट बिलो इन द बॉक्स, ताकि मैं जान सकूं। तो चलिए मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने वॉश कर लिया। मैं हार्शली नहीं पोछूंगी, बहुत हल्के हाथ से टैप के मोशन में इसको पोछूंगी। ऑलमोस्ट डन। अब गाइस, सॉरी मैंने उस साइड रख दिया। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑक्सी ब्लीच जब भी मैं यूज़ करूँगी, जब भी हमने यूज़ करना है सॉरी, तो हमने उसका मेन्यू पढ़ लेना है। ये हमारा पोस्ट ब्लीच के बाद जो पोस्ट क्रीम हमने लगाना है, वो पोस्ट क्रीम दिया है, ये क्रीम हो गया, इसका डेक्टिवेटर दे दिया। तो गाइज, मैं हमने मैनुअल पढ़ लेना है इफ़ यू आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हमने क्रीम और उसका जो पाउडर उसके साथ मिलेगा वो छोटे बॉटल में, उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। ये हमने पूरा लिया है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, वो स्किप कर दिया मैंने, कि पूरे नेक तक लगाना है तो हमने वो पूरा लेना है। इफ सिर्फ फेस लगाना है तो वो आपका कम में भी हो सकता है, बट इफ़ ब्लीच कर रहे हो तो बेटर होगा पूरे नेक तक करना, तो ये पूरा ही लग जाता है। और हम सजेस्ट करते हैं कि यूज़ स्मॉल पैक, छोटे पैक यूज़ करने से क्या होगा कि आप उसी टाइम एक बार में ही यूज़ कर सकते हो, बड़े पैक में बार बार खोलना और उसको ऐसे खोल कर रखना वो फिर ज़्यादा देर काम नहीं करता है। तो गाइस, इसमें हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाना है। ये काफ़ी, मतलब जो क्वांटिटी एक्चुअली में ये रहते हैं ये डबल हो जाते हैं मिलाने के बाद। तो जैसे कि मैं मिला रही हूँ उसी ये मैं मिलाऊँगी, और दूसरा कंटेनर लेने की कोई दरकार नहीं क्योंकि उसने स्पैचुला दिया हुआ रहता है, तो इट्स विल बेटर। अगर ये आपका मिल नहीं पाएगा अच्छे से तो आप 10 मिनट तक भी इसको कर सकते हो, बट आई थिंक 10 मिनट से कम टाइम लगेगा इसको मिलाने में, तो ये अच्छे से आप मिला लो। जो मैंने हल्का सा बचाया था वो मैं डाल रही हूँ, एज वो अच्छे से ये नहीं हुआ था, तो अच्छे से उसको डालकर
और 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कर लेंगे। अब गाइज इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, याद रहे हेयरबैंड लगा ले साइड से, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सर पे थोड़ा बहुत साइड में हेयर है, तो वो सारे मत करना, इट विल लुक ऑकवर्ड। जो फेस है सिर्फ फेस को कवर करना, और आईज़ के हल्का नीचे से ही करना, कॉज बहुत जलन होती है एज़ आईज़ के पास से ले जाने से, इट्स प्रॉब्लम हो रहा था, उसीलिए मैंने फ़ोन में देख के करना पड़ रहा था। बट विल सजेस्ट कि फेस पे ही आप करें, और जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा हेयर है वो डायरेक्शन देख के आप अच्छे से मिरर में कर लें, आईज़ के पास ना करें। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आईज़ का पोर्शन हमने छोड़ दिया है, और अच्छे से इसको साइड में सिर्फ जो इधर हेदर हेयर है वो करेंगे, और नेक पे पूरा करेंगे। और मैनुअल में जैसे फेयर स्किन के लिए 15 मिनट है डू, तो वो 15 से 20 मिनट के बाद रखने के बाद आप चेक कैसे करोगे मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। सो गाइस देखिए चेक करने के लिए, देखिए जो मैं हल्का सा हाथ रख रही हूँ तो वो वहाँ से क्रीम उठकर लग जा रहा है हाथ में, वहाँ क्रीम पोर्शन नहीं है वो सारे हाथ में आ जा रहे हैं। सो गाइस ये मैंने वॉश किया है, वॉश करने के बाद मैंने पोस्ट क्रीम, एज कैमरा का कुछ प्रॉब्लम था तो पूरा फेस कवर अप नहीं हो पाया, सो ये पोस्ट क्रीम मैंने जितना है वो लेकर अपने चेहरे और नेक पे अच्छे से मसाज कर लिया अपवर्ड पोजीशन में, ताकि कभी भी फेस पे डाउनवर्ड मोशन में क्रीम या कुछ भी ना लगाएं। तो गाइस सॉरी फॉर द लास्ट प्रोसेस, कैमरा का कुछ प्रॉब्लम था, सो कॉन्ट बी एबल टू शो यू। सो ये करने के बाद थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, डू सब्सक्राइब माई चैनल।